मुस्लिम लीग नून के कैंप में एक और खुशी की खबर, पहले मरियम नवाज अब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को भी क्लीन चिट मिल गई। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आजम शहबाज शरीफ और साबिक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज को बाइज्जत बरी कर दिया। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के जज एजाज अवान ने मुकदमे का महफूज किया गया फैसला सुनाया। दौरान समाज शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने तहरीरी दलाइल अदालत में जमा करवा दिए और मौकफ पेश किया कि 161 के बयानात में भी किसी गवाह ने शहबाज शरीफ और हमजा का जिक्र नहीं किया। FIA ने बदनीयती की बुनियाद पर ये केस बनाया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के अकाउंट में कोई रकम नहीं आई। कानून के मुताबिक प्रोसिक्यूशन को अपना केस साबित करना है। रिश्वत के इल्जाम में प्रोसिक्यूशन कोई सबूत पेश नहीं कर सकी। कभी ऐसा केस नहीं देखा जिसमें प्रोसिक्यूशन बगैर सबूत के चल रही हो। अदालत ने फरीकैन के दलाल सुनने के बाद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था। लीग की क़यादत की मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरियत पर मुस्लिम लीग नून के कारकुन सड़कों पर निकल आए और मिठाइयां तकसीम की गयी। FIA ने नवंबर 2020 में इनके खिलाफ पाकिस्तान पिनल कोड करप्शन की रोकथाम एक्ट और इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया था।